प्रेस दी सब्सक्राइब बटन, प्रेस दी बेल आइकन, यू विल रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन। आज हम बनाएंगे होममेड कंडेंस्ड मिल्क। होममेड कंडेंस्ड मिल्क बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप चीनी, आधा लीटर फुल फैट क्रीम मिल्क और 1 पिंच बेकिंग सोडा। सबसे पहले हम गैस की फ्लेम ऑन करके कढ़ाई में आधा लीटर दूध डालेंगे। ये फुल फैट क्रीम लिया है हमें कंडेंस्ड मिल्क बनाने के लिए, फुल फैट क्रीम मिल्क की ही ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर हम डालेंगे चीनी, 1 कप चीनी है, और इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है और मिक्स करते रहना है। कंडेंस्ड मिल्क जो होता है हमारा, हम किसी भी मिठाई बनाने के लिए काम में ले सकते हैं। केक बनाने के लिए जब हम एगलेस केक बनाते हैं तो उसके लिए हमें कंडेंस्ड मिल्क जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें देखिए अब बॉयल आ चुका है, इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे कंटिन्यूसली। आप इसे चाहें तो हाई फ्लेम पे बना सकते हैं, चाहें तो आप लो फ्लेम पे बना सकते हैं। लो फ्लेम पे बनाने में इसमें थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा, हाई फ्लेम पे आप बनाते हैं तो ये जल्दी बन जाता है। पर हाई फ्लेम में अगर आप बना रहे हैं तो ध्यान रहे कि आप इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते रहें, अदरवाइज़ जो आपका दूध है वो साइडों में चिपकने लग जाएगा। आप देखिए कंटिन्यूसली इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए। कंडेंस्ड मिल्क जो होता है घर पे इजीली बन जाता है, और घर पे हम जो कंडेंस्ड मिल्क बनाते हैं वो अच्छा, बहुत अच्छा बनता है, मार्केट से भी अच्छा लगता है वो। अब इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए, और ये हमें जो हम घर पे कंडेंस्ड मिल्क बनाते हैं ये मार्केट की कंपेयर हमें बहुत चीप पड़ता है। इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए और साइडों में से भी इसको हटाते जाइए। जो मलाई हमारी साइडों में लग रही है, आप ये देख रहे हैं दूध हमारा जो है पहले से काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। अभी हमें इसे और पकाना है। इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते जाइए। मैंने ये हाई फ्लेम पे बनाया है, आप लो फ्लेम पे बना रहे हैं तो आपको इतना मिक्स बार इसको कंटिन्यूसली मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बीच बीच में इसको मिक्स करते रहिए। बट हाई फ्लेम पे हमें इसे कंटिन्यूसली चलाना पड़ता है। आप ये देखिए हमारे कंडेंस्ड मिल्क जो है टोटली रिड्यूस्ड हो चुका है। हम इसे थोड़ा सा और चलाएंगे और फिर ये हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारा कंडेंस्ड मिल्क ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसे गैस की फ्लेम से उतारने के बाद इसके अंदर 1 पिंच बेकिंग सोडा मिलाएंगे और इसे एकदम ठंडा होने रखेंगे। ठंडा होने के बाद ये हमारा गाढ़ा हो जाएगा। बेकिंग सोडा जो है एकदम ऑप्शनल होता है। ये देखिए हमारा कंडेंस्ड मिल्क रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में खाली कर रहे हैं, और आप इसे किसी भी स्वीट या केक बनाने की रेसिपी में काम लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।